महाराष्ट्र में प्रवर्तन निदेशालय के एक मामले में आरोपी एनसीपी विधायक नवाब मलिक को गठबंधन में शामिल किए जाने को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस द्वारा अजीत पवार को लिखे एक पत्र को लेकर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए। इस बीच कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने जातिवाद और ध्रुवीकरण का आरोप लगाते हुए बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है। महाराष्ट्र में प्रवर्तन निदेशालय के एक मामले में आरोपी एनसीपी विधायक नवाब मलिक को गठबंधन में शामिल किए जाने को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस द्वारा अजीत पवार को लिखे एक पत्र को लेकर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए। इस बीच कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने जातिवाद और ध्रुवीकरण का आरोप लगाते हुए बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है। महाराष्ट्र में प्रवर्तन निदेशालय के एक मामले में आरोपी एनसीपी विधायक नवाब मलिक को गठबंधन में शामिल किए जाने को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस द्वारा अजीत पवार को लिखे एक पत्र को लेकर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए। इस बीच कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने जातिवाद और ध्रुवीकरण का आरोप लगाते हुए बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है।